इंदौर की 66 ग्राम पंचायतों में आज वोटिंग शुरू हो गई है। इंदौर चुनाव के लिए शनिवार 25 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इंदौर के 303 मतदान केंद्रों में सुबह 9 बजे तक 12% वोटिंग हो चुकी है। इसमें 10,254 पुरुष और 8,536 महिलाएं वोट डाल चुकी हैं। इस बार गांव की सरकार चुनने के लिए 6.72 लाख वोटर्स जिला और जनपद सदस्य सरपंच तथा पंच पदों के 4,962 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए जिले में 1,217 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 212 संवेदनशील एवं 70 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इन केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मतदान के लिए अलग अलग रंगों के मतपत्र रहेंगे। वोटिंग के लिए पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र रहेंगे। मतदाता अपने मतपत्र मतांकन के पश्चात मत पेटी में डालेंगे। मतदाता को पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पदों के चुनाव के लिए 4 मतपत्र दिए जाएंगे। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। मतदाता को पंच व सरपंच दो मतपत्र एक साथ दिए जाएंगे, जिन पर सर्कल 1 में मतांकन के बाद मतपत्र मत पेटी में डाले जाएंगे।